बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे थे, हम नए अध्याय के साथ आपके साथ थे और लगातार हम रासायनिक बंधन जो हमारा अध्याय है, हम उसमें अलग अलग टॉपिक को लेकर मैं आपके साथ हूं। बच्चों आज मैं आपको O2 अणु का ऊर्जा स्तर आलेख कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये जल्दी से समझाने वाला हूं। तो O2 अणु और N2 अणु को आज हम कवर कर लेंगे जल्दी। तो बच्चों जल्दी से पहले O2 अणु के लिए मैं आपके सामने हूं, लीजिए बच्चों। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन के परमाणु को ले लेना है, ऑक्सीजन का एक परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक 8 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहा हूं, वो हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p4। बच्चों इसी तरह से O2 अणु के लिए अब हमको एक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा, तो वो हो जाएगा 2p4, 2s2 और 1s2, और ये आ जाएगा O8। इस तरह से बच्चों मैंने दो ऑक्सीजन के परमाणुओं को अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया सबसे पहले। फाइनली बच्चों अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि 1s का जो अतिव्यापन है वो 1s के साथ होगा, 2s का अतिव्यापन 2s के साथ होगा और 2p4 का अतिव्यापन 2p4 के साथ होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कि ये अतिव्यापन क्या होता है, ये तो आपने पहले बताया नहीं है। बच्चों जस्ट इस टॉपिक के फिनिश होने के बाद मैं अगले कुछ वीडियोस में आपको ये बताऊंगा कि अतिव्यापन क्या होता है, उससे हम संकरण को लेकर आगे जाएंगे, तो वहां पर आप ये चीज अच्छे से समझ पाओगे। तो बच्चों फाइनली 1s ऑर्बिटल के लिए मैं सेल ड्रॉ कर देता हूं, फिर से वही एक सेल होगा इस तरह से, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा स्तर जो आलेख है ये VBT और MOT सिद्धांत के आधार पर रखे जाते हैं, तो आप एक बार अपनी पाठ्यपुस्तक में जाकर इन सिद्धांतों को क्या करिए, केवल टैली कर लीजिए, रीड कर लीजिए इनको, और आप आसानी से ऊर्जा स्तर आलेख समझ पाएंगे और बना पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो 1s के लिए मैंने सबसे पहले इस तरह से आपको ये एक प्रतिबिंब जो चित्रण में ड्रॉ कर रहा हूं आप कर लीजिए। मैंने बोला ये 1s2 है और ये भी 1s2 है, ये कहलाएंगे बच्चों परमाणु ऑर्बिटल। परमाणु ऑर्बिटल के संयोजन से निर्मित होंगे ये वाले अणु ऑर्बिटल। परमाणु ऑर्बिटल से मिलकर अणु बनता है, इसलिए जो अणु ऑर्बिटल है वो दोनों परमाणुओं से संयोजित होते हैं, तो इस तरह से मैंने उनको जोड़ दिया, ठीक है। फाइनली परमाणु ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, हम बाद में देखते हैं। फिर 2s और 2s के लिए बनाता हूं, तो जल्दी से 2s का ड्रॉ भी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से। बच्चों ये बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 2s2 और 2s2। फाइनली परमाणु कक्षक से अणु कक्षकों का निर्माण होगा, ये अणु कक्षक जो है वो दोनों परमाणुओं से संदर्भित होंगे, मिले हुए होंगे, और इसलिए मैंने इनको वापस जोड़ दिया। फाइनली बच्चों 2p4 और 2p4, तो 4 के लिए जो कक्षक होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, मैं उनको भी ड्रॉ कर देता हूं। फिर से बच्चों ये जो परमाणु ऑर्बिटल होंगे इनसे मिलकर अणु बनेंगे, इसलिए इनको इस तरह से हमको क्या कर लेना है, कनेक्ट कर लेना है। ये हो जाएगा हमारा 2p4 और ये भी हो जाएगा 2p4, ठीक। फाइनली बच्चों आप देख सकते हैं कि यहां पर 1s के पास दो इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 1s के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, दोनों परमाणु ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके पास भी दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वही एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और इसके पास भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैंने जहां इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया अभी वो खाली रहेगा, तो मैंने उसको खाली कर दिया है, ठीक है वापस। तो बच्चों इस तरह से हम 2p4 और 2p4 में देखेंगे तो चार चार इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाएगी और एक चौथा इलेक्ट्रॉन इस तरह जाएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो अब मैंने आपको बताया था VBT और MOT सिद्धांत के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन परमाणु ऑर्बिटल में होते हैं वो परमाणु ऑर्बिटल से निकलकर अणु ऑर्बिटल में आते हैं। तो बच्चों क्या होगा, 1s
से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस 1s से निकलेंगे, और एक एक इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल वाले रीजन में और फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल वाले रीजन में आ जाएंगे। बच्चों ये जो नीचे वाले शेल आप देख पा रहे हो ना, ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं, जबकि ये जो ऊपर वाले शेल आप देख पा रहे हो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं। इसी तरह से बच्चों ये नीचे वाले बॉन्डिंग है जबकि ये ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग है, ये तीनों नीचे वाले बच्चों बॉन्डिंग है जबकि ये तीनों ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखनी है। बच्चों इसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन जब 1s और 1s से निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आएगा तो एक इसका, ठीक है, और एक इसका, अभी भी एक एक बचेंगे तो एक एक ऊपर चले जाएंगे। होगा क्या बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपको यहां पे दिख रहे हैं, है ना, अब ये वाले जो सेल हो जाएंगे ये एम्प्टी हो जाएंगे, मतलब ये खाली हो जाएंगे। लेकिन अब चूंकि मैंने लिखा हुआ है तो मैं उनको मिटाऊंगा, या आप लिख दोगे और आप उनको मिटाओगे, इरेज करोगे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। कम्युनिकेशन या समझने का एक जो अंतर है वो काफी डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो इसलिए हम उनको खाली करके नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ ऐसा अज्यूम करेंगे, हम ऐसा मान लेते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन जो परमाणु ऑर्बिटल में रहते हैं अब वो निकलकर वहां से अणु ऑर्बिटल में आ जाएंगे, तो हम ऐसा इमेज करने लगेंगे, हम ऐसा सोचने लगेंगे कि अब वो परमाणु ऑर्बिटल खाली हो चुके हैं और वो अणु ऑर्बिटल में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक, यही प्रक्रिया आगे होगी बच्चों, यहां पर भी 1s और 1s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस तरह से भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले रीजन में आ जाएंगे। टोटल बच्चों यहां पर 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है जबकि नीचे 6 सेल हैं। हुंड के नियम, पाउली के नियम और अबाउ के नियम के अकॉर्डिंग सारे नियम हमने पढ़े थे, तो हमने एक नियम पढ़ा था पाउली का कि एक जो कक्षा के उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विपरीत चक्रण के, है ना। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से समान ऊर्जा के, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर एक एक आके युग्मित हो जाएंगे। अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन शेष बचे ना, 6 हो गए, तो बच्चों एक इसके पास जाएगा और एक ऊपर बढ़ जाएगा, तो 6 और 2 8 हो गए, तो 4 और 4 8 पूरा फेल हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो एक एनर्जी लेवल आपके सामने खड़ा किया इसको हम बोलते हैं बच्चों ऊर्जा स्तर, और इसके समानांतर आप एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें तीर का निशान ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं और उसके ऊपर आप लिखते हैं ऊर्जा स्तर। मतलब ये ऊर्जा स्तर बताता है कि नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। ठीक बच्चों, हम इसमें बहुत सारी चीजों का आकलन करते हैं, आज वो आकलन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बच्चों जब 1s और 1s ऑर्बिटल के बीच में अतिव्यापन होगा तो आप हमेशा याद रखेंगे सिग्मा बंद बनेगा, कैसे बंद बनेगा वो मैं बाद में बताऊंगा। तो यहां पर 2 सिग्मा बनेंगे, एक नीचे बनेगा और एक इस तरह से बनेगा, यानी एक बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल वाले रीजन में बनेगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर वाले रीजन में भी बनेगा। लेकिन जो ऊपर होगा बच्चों उसके ऊपर आप एक स्टार लगा लेंगे क्योंकि उसकी ऊर्जा नीचे वाले से ज्यादा होगी, जो कि एरो से स्पष्ट हो रहा है। इसी तरह से बच्चों 2s और 2s के बीच में भी अतिव्यापन होगा तो यहां पर एक बॉन्ड बनेगा सिग्मा जबकि ऊपर वाले में बनेगा सिग्मा स्टार। फिर बच्चों जब 2p4 और 2p4 के बीच में अतिव्यापन होगा तो जब px और px ऑर्बिटल अतिव्यापन करेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा सिग्मा, इस तरह से एक बनेगा ऊपर सिग्मा स्टार। ठीक है बच्चों, जबकि यहां पर बनेगा पाई और यहां पर भी बनेगा पाई और यहां पर बनेगा पाई स्टार। बच्चों ये जो सिग्मा बंद होते हैं, अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले भी बताया था सिग्मा बंद प्रबल होते हैं जबकि पाई बंद दुर्बल होते हैं। मैं अतिव्यापन में आपको इनको डिटेल में बताने वाला हूं तो आप यहां पर उनको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बच्चों फाइनली हमने यहां पर बंधों का निराकरण भी कर दिया, हम यहां पर बच्चों कुछ चीजें कैलकुलेट करते हैं तो वो चीजें अब मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूं। बच्चों मैं सबसे पहली चीज कैलकुलेट करता हूं वो है बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम, है ना, बंद की कोटि, बंद क्रम। तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला था 1/2 NB - NA, तो सीधा कैलकुलेशन लेते हैं। देखिए जितने भी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, तो बच्चों 2 और ये वाला 2 मिला के 4 और ये वाले 6 मिला के 10, तो टोटल हमारे पास जो NB इलेक्ट्रॉन है वो 10 है माइनस। अब NA निकालेंगे, NA मतलब बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर 2 हैं, फिर इसके भी ऊपर 2 हैं, तो 2 और 2 4 और यहां पर 1 और 1 2, तो टोटल कितने हो गए 6। तो बच्चों यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं 6, यानी NA की वैल्यू 6 होगी। हम जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे जो बॉन्ड ऑर्डर की जो कोटी है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर की जो कोटी है वो कितनी आएगी बच्चों, ठीक है,
वो आएगी टू। तो मैं आपको बता देता हूं बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आएगा, टू आ जाएगा। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर की कोटि दो आ जाएगी। यानी जो बंद क्रम आया वो ट्रिपल सा मतलब है बच्चों कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जब भी एक अणु का निर्माण करेंगे तो दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में आप हमेशा द्विबंध लगाते हैं, आप दो बंध बनाते हैं ना। तो ये दो बंध इंडिकेट करता है कि इसमें से एक बंध पाई है और दूसरा बंध सिग्मा है। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे जो डैश की लाइन लगा रहे हैं ना बच्चों, इसी को हम कह रहे हैं आबंध कोटि या बंध क्रम। समझ में आ गई मेरी बात आपको? ठीक है बच्चों, दूसरी चीज मैंने आपको बताया था इसमें प्रकृति का निर्धारण है ना। हमको ये भी बताना होता है कि जो हमारा O2 का अणु है इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो बच्चों उसके लिए मैंने आपको बोला था हम देखेंगे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल वाले रीजन को। हम इस क्षेत्र को देखेंगे कि यहां पर क्या सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, क्या सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, या तो हम दूसरा केस देखेंगे क्या इलेक्ट्रॉन एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या अयुग्मित है, आ युग्मित है, ऐसी प्रकृति रखता है। बिल्कुल ठीक, ये अणु चुंबकीय प्रकृति रखता है। तो बच्चों मैंने आपको ऑक्सीजन अणु के लिए, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आपने इसको समझा। अब इस टॉपिक को बच्चों आपको क्या करना है, मैं आपको एक उदाहरण आपको बता रहा हूं और उस उदाहरण को आप लेकर चलिए और उस उदाहरण को आप N2 अणु के लिए बनाकर देखिए। मतलब आप नाइट्रोजन के अणु के लिए इस चीज को बहुत अच्छे अपना ख्याल रखिएगा।